मार दिए तीन कमांडर। क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप हमास के तीन कमांडरों की मौत का बदला लेंगे? इसराइल से दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने इसराइल से दो टूक कह दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंहार का बदला हर हाल मिलेगा। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर में अंदर की ओर जा रहे हैं, तभी एक मिसाइल ऊपर आकर गिरती है। मौके पर मजदूर हमास के लड़ाके मारे जाते हैं और साथ ही एनिमेशंस के जरिए अब आपको पूरा समझाते हैं कि आखिर क्यों तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इसराइल ने कैसे हमास के तीन कमांडरों को मार डाला है। दावा के मुताबिक जिस वक्त हमास के तीन कमांडर गाजा पट्टी के अल मवासी शिविर में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने अल मवासी शिविर पर हमला कर दिया। दावा किया गया है कि इजरायली हवाई हमले में हमास के तीन टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिविर के आसपास मौजूद थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है। पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन तीन कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की पूरी तरह से बदला लेने पर उतारू हो गया है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक दक्षिणी गाजा के रफाह में हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उसके साथी मार गिराए गए हैं। 48 घंटे की अगर बात करें पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में 67 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें लगभग एक दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर्स मारे गए हैं। सबसे ताजा हमले में इसराइल ने 27 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। खान यूनुस की एक इमारत में 13 लोग मारे गए। इजरायली हमले में सुरक्षित माने जाने वाले अल मवासी कैंप में इजरायली सेना ने सबसे भीषण हमले किए। दावा किया गया है कि इजरायली सेना के इस हमले में हमास की हवाई इकाई के प्रमुख समर इस्माइल खादर अबू दक्का, हमास के सैन्य खुफिया मुख्यालय के प्रमुख ओसामा ताबेश और हमास के एक टॉप कमांडर अयमान मबोह को मार दिया गया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अल मवासी में अमेरिका निर्मित MK-84 बमों से हमला किया। 907 किलो के अमेरिकी MK-87 बमों से ही हमास के तीन कमांडर मारे गए हैं। इसराइल गाजा की तरह ही अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है। इधर तुर्की शुरू से ही इसराइल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गाजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप, लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है? तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा बयान दिया जिसने इसराइल को अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। इसराइल किसी भी खतरे के लिए तैयार है, रक्षात्मक, आक्रामक दोनों तरह से। हम अपनी रक्षा करने के लिए दृढ़ है। हम किसी भी इलाके से हमला करने वालों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। हमला करने पर दुश्मनों को भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप का ये बयान कई मायनों में हैरान करने वाला है। अभी तक नेटो देश तुर्की को लगता था कि अमेरिका इजरायली हमलों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपना असली चेहरा तुर्की को दिखा दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दो टूक कह दिया कि वेस्ट बैंक में इजरायली हमले में मारी गई तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनूर एजगी ईगी की मौत महज एक इत्तफाक है, वो गलती से हमले की जद में आ गई। यानी अमेरिका और तुर्की की दोहरी नागरिकता रखने वाली महिला एजगी की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल को ही क्लीन चिट दे दी। 6 सितंबर को मारी गई अमेरिकी तुर्की महिला आयसेनूर
को 6 सितंबर को उस वक्त इजरायली सेना ने सिर में गोली मार दी थी जिस वक्त वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन कर रही थी। इजरायल के खूंखार हमलों पर अमेरिका के दोहरे मापदंड को देखकर ही तुर्की अब इजरायल के खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में कूद पड़ा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप, लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है? तुर्की के इस्तांबुल से इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है? जानकारों के मुताबिक इजरायल के तेल अवीव से तुर्की के इस्तांबुल की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक तुर्की आसानी से इजरायल पर अपने घातक TB2 ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमला कर सकता है। पहले आप ये जान लीजिए कि तुर्की और इजरायल की सैन्य ताकत में कौन बाजी मार रहा है। ग्लोबल फायर पावर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की सैन्य रैंकिंग की सूची में तुर्की 11वें स्थान पर है। इजराइल इस सूची में 18वें नंबर पर है, यानी तुर्की यहां इजराइल पर भारी साबित हो रहा है। तुर्की के कुल सैनिकों की संख्या 7,75,000 है, इसमें 20,000 इसमें 2,00,000 लगभग जो सैनिक है वो शामिल है। इजराइल के कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है, इसमें रिजर्व सैनिकों की संख्या 4,65,000 है। तुर्की की सेना में कुल टैंकों की संख्या 2,229 है, वहीं इजराइल सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। तुर्की की सेना में कुल आर्म्ड व्हीकल जो है वो 1,00,000 से ज्यादा है और इजराइल सेना में आर्म्ड व्हीकल की संख्या 56,000 है। तुर्की की सेना में खींच कर ले जाने वाली तोपों की कुल संख्या 1,938 है, तो इजरायली सेना में इन तोपों की संख्या सिर्फ 300 है। तुर्की की सेना में कुल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 516 है, तो इजराइल सेना में टॉयड आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली वायु सेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, तो तुर्की की वायु सेना में कुल विमानों की संख्या 1,065 है। तुर्की के पास 478 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 110 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तुर्की के पास कुल 126 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें 48 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। तुर्की की नौसेना के पास कुल 9 सैनिक पोत की संख्या 154 है, तो इजरायली नौसेना के पास कुल 9 सैनिकों की जो पोत की संख्या है वो 67 है। तुर्की की नौसेना में 16 फ्रिगेट शामिल है, तो वही इजरायल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। तुर्की के पास कुल 205 लड़ाकू विमान हैं, उनमें एक भी हमलावर विमान नहीं है। वहीं इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है और 32 हमलावर विमान है। इस बीच ट्रंप ने ऐसी भविष्यवाणी की जिसकी चर्चा होने लगी है। ट्रंप ने कहा 2 साल में खत्म हो जाएगा इजराइल। जी हां, आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इजराइल की तुलना में तुर्की सैन्य लिहाज से जरा भी कमजोर नहीं। इस वक्त तुर्की मिस्र, ईरान, लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे देशों को एकजुट करने में लगा है, तो उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान गाजा, लेबनान और सीरिया पर हो रहे इजरायली हमलों को लेकर कई गुप्त प्लान बना चुके हैं। दावा तो यहाँ किया गया कि नेटो के कई देशों को पुतिन ने अपनी तरफ मिला लिया है। पुतिन के इस मिशन को पूरा करने में तुर्की का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। नेटो देश होने के बावजूद तुर्की के संबंध रूस से जबरदस्त हैं और यही वजह है कि तुर्की रूस के इशारे पर इजराइल को गंभीर चेतावनी देने लगा है। 41,000 के करीब अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में गाजा युद्ध और पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच भयंकर जुबानी जंग चल रही है। ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं और अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई तो 2 साल में इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। पब्लिक डिबेट में ट्रंप का ये हैरान कर देने वाला बयान इजराइल के लिए गंभीर खतरे की घंटी बना हुआ है। ट्रंप के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल गाजा युद्ध में बुरी तरह से फंस गया। नेटो देश तुर्की भी इजराइल से 2-2 हाथ करने को तैयार है। ऐसे हालात में भी इजरायली सेना गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इधर खबरें ये आ रही है कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो हमास को दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गाजा और वेस्ट बैंक में हमले
तेज कर दिए हैं। हालांकि आपको याद होगा बीते ही कुछ दिनों में इसराइल और ईरान में भी एक जो समझौता हुआ था मिसाइलों को लेकर, बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर, जहां ईरान ने रूस को कई सारे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल दिए जो कि काफी ज्यादा क्षमता के हैं, लेकिन इन सब के बीच अब तुर्की को लेकर और इसराइल को लेकर जो है चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच जो ट्रंप की भविष्यवाणी है वो खासतौर पर सुर्खियां बटोर रही है।